नॉलेज ग्रिप के इस खास वीडियो क्लिप में आपका स्वागत है। अपने इन वीडियोस के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स के रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, ऑर्डर्स और रूलिंग्स के ऊपर चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि स्टाफ रूम में चमार कहना या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना SC ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है। इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे जिन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए MP हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आपके क्या ओपिनियन हैं, आप क्या सोचते हो और किस हद तक आप MP हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमति रखते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो वीडियो एंड तक देखना, फिर अपने ओपिनियन ज़रूर देना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर मामले को समझते हैं। देखो, MP हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए रद्द कर दिया कि जो अपराध था वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुआ था, राइट। तो सबसे पहले ये एक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो MP हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये कहा कि जो अपराध था उस पर्सन को उसके कास्ट के नाम से बुलाने का, उसे चमार कहने का, वो किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं हुआ था, वो किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुआ था, स्टाफ रूम में हुआ था, और स्टाफ रूम एक पब्लिक प्लेस नहीं है, इसलिए ये अपराध नहीं है SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत। देखो, हम जानते हैं कि हमारे देश में कास्टिज्म एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है, जातिवाद, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा हर्डल है हमारे देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, हमारे देश के विकास में। और हमें ये देखने को मिलता है, आज भी आप देख सकते हो इस चीज़ को, कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो डोमिनेंस दिखाते हैं लोअर कास्ट के लोगों पर, राइट, ये फैक्ट है। तो हमारे जो लोअर कास्ट के लोग हैं, देखो कास्टिज्म होता ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि केवल दो कास्ट है, पुअर एंड रिच, अमीर गरीब, ठीक है। अब ये जो लोग हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC SC ST, अगर हम केवल SC ST के लोगों के बारे में बात करें तो इनके राइट्स, इनके इंटरेस्ट और इनके प्रोटेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है हमारे पास, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, राइट। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए
उसे रद्द कर दिया इस आधार पर कि जो ऑफेंस है, जो अपराध है, वो किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं हुआ है। आगे समझते हैं। जस्टिस विशाल धगत की बेंच ने फैसला सुनाया कि आरोपी यानी जिसपे आरोप लगे हैं, आरोपी द्वारा स्टाफ रूम में शिकायतकर्ता के साथ उसकी जाति का जिक्र करते हुए मौखिक दुर्व्यवहार यानी ओरल एट्रोसिटीज, मौखिक अत्याचार करना एससी एसटी के तहत अपराध नहीं है। राइट, कोर्ट ने कहा कि स्टाफ रूम को सार्वजनिक स्थान नहीं माना जाता है और इसलिए आरोपी पर एससी एसटी एक्ट की धारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज एस के तहत ये अपराध नहीं है, इट इज नॉट एन ऑफेंस। चूंकि स्टाफ रूम एक पब्लिक प्लेस नहीं है और आरोपी ने शिकायतकर्ता को उसके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो मौखिक अत्याचार किया है वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज एस ऑफ एससी एसटी एक्ट के तहत नहीं आता है, इसलिए ये कोई अपराध नहीं है। और ये कहते हुए एमपी हाईकोर्ट ने फैसले को सुनाया और जो मामला था उसे खारिज कर दिया। अब सबसे पहले हम सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज एस को देखेंगे, क्या कहता है। अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का जानबूझकर अपमान करने या डराने धमकाने का दंड देता है ये पर्टिकुलर सेक्शन, यानी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज एस ऑफ एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ये कहता है अगर आप किसी अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करते हो या उसे डराते हो धमकाते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। एक ये फैक्ट यानी इस बेसिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये कहा कि जो पर्टिकुलर ये एक्ट हुआ है वो स्टाफ रूम में हुआ है और स्टाफ रूम कोई पब्लिक प्लेस नहीं है। इसके अलावा अदालत ने अश्लील हरकतें यानी ऑब्सीन एक्ट और गानों के लिए आईपीसी की धारा 294 के तहत आरोप को भी खारिज कर दिया क्योंकि कथित दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुआ है। तो यानी अब यहाँ पे हमें सेक्शन 294 आईपीसी को भी एक बार देखना है जिसे हम आगे समझेंगे। देखो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज एस ये कहता है यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के साथ जाति सूचक अभद्रता ऐसे स्थान पर करता है जो कि एक सार्वजनिक स्थान है तो उसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इंग्लिश में अब्यूजिंग एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बाई कास्ट नेम इन एनी पब्लिक प्लेस इज एन ऑफेंस विद इन परव्यू ऑफ दिस सेक्शन। ठीक, और एस सी एस टी एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो बेसिकली पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर जो एस सी या एस टी का मेंबर नहीं है और वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है, अगर उसके सामने कोई मामला आता है जो किसी एस सी या एस टी के व्यक्ति से संबंधित है और वो जो प्रोसीजर है, जो रूल दिया गया है एस सी एस टी एक्ट के तहत, उन्हें फॉलो नहीं करता है, अपना ड्यूटी नहीं निभाता है तो ये क्या है, एक ऑफेंस है। तो सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट नॉट बीइंग मेंबर ऑफ एस सी एस टी विलफुली नेगलेक्ट हिज ड्यूटी रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाई हिम अंडर दिस एक्ट
and rules made thereunder shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but may extend to 1 year. The public official सेक्शन 4 ऑफ SC ST एक्ट के तहत जो ड्यूटीज़ उसे करने थे उन ड्यूटीज़ को अगर वो नहीं करता है तो ये एक ऑफेंस है और इसमें उसे सज़ा हो सकती है 6 महीने की, जो कि 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। तो ये 3 सेक्शन हमने देखा, IPC का सेक्शन 294 आप ज़रूर देखना एक बार, SC ST एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज S और सेक्शन 4 ऑफ SC ST एक्ट। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 294 ऑफ IPC क्या कहता है कि whoever टू द अनॉयंस ऑफ अदर, जो कोई किसी लोक स्थान में यानी किसी पब्लिक प्लेस में कोई अश्लील कार्य करता है या किसी पब्लिक प्लेस पर कोई गाना गाता है, कोई वर्ड यूज करता है नियर द पब्लिक प्लेस या इन द पब्लिक प्लेस, तो ये एक ऑफेंस है जिसमें जो पनिशमेंट है वो 3 महीने की जेल या फाइन या दोनों हो सकता है, राइट। तो ये है पब्लिक प्लेस, यानी एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह जहाँ पर जो पब्लिक है वो आसानी से आ जा सके बिना किसी के रोक टोक के। अब जब हम IPC के सेक्शन 12 को देखते हैं तो सेक्शन 12 ऑफ IPC डिफाइन करता है वर्ड पब्लिक को, पब्लिक को हिंदी में लोक कहते हैं, और पब्लिक का मतलब है ऐसे पर्सन्स जो किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हों या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हों वो पब्लिक कहलाएंगे। तो एज पर सेक्शन 12 ऑफ IPC पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी, ठीक है, ओके। अब देखो, एक पर्टिकुलर केस है हमारे पास, एक लीडिंग केस है हमारे पास, LIC वर्सेस कार्थयानी का केस है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में जो जजमेंट दिया वो पब्लिक प्लेस को आधार मान के दिया। क्या था केस, आइए समझते हैं। देखो, एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। एक रोड था जो रोड इसी पर्टिकुलर प्रिमाइस में जाता था। इसी रोड के लेफ्ट साइड से एक सज्जन जा रहे होते हैं अपने साइकिल से इस प्रिमाइस की तरफ, तभी पीछे से एक जीप आती है तेज रफ्तार में, और वो जो जीप थी वो इसी पर्टिकुलर कंपनी की थी। इन्हें ठोकर मार देती है और इनका ऑन द स्पॉट मौत हो जाता है। जब कॉम्पनसेशन के लिए LIC में क्लेम किया जाता है तो LIC के तरफ से ये एविडेंस दिया जाता है कि जिस पर्टिकुलर स्थान पर ये एक्सीडेंट हुआ वो एक पब्लिक प्लेस नहीं था, ये जो प्रिमाइस था, ये जो रोड था वो प्राइवेट रोड था HSL का, और इस रोड से अगर किसी को HSL की तरफ आना होता है तो प्रायर परमिशन लेना होता है HSL से। इस सज्जन ने परमिशन भी नहीं लिया था, तो इसलिए हम कंपनसेशन नहीं पे कर सकते हैं, LIC की तरफ से ये एविडेंस दिया गया। उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एविडेंस को माना और कंपनसेशन क्लेम को डिसमिस कर दिया, राइट। तो
तो देखो केवल इस आधार पर कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो पब्लिक प्लेस पर नहीं हुआ था, उड़ीसा हाई कोर्ट ने पेटिशनर के क्लेम को खारिज कर दिया। और ये जो इंसिडेंट था, ये जो पर्टिकुलर डिसीजन दिया गया है एमपी हाई कोर्ट का, पब्लिक प्लेस को आधार मानकर एमपी हाई कोर्ट के इस डिसीजन से आप किस हद तक सहमति रखते हो और आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बातें जो आपको नोटिस करनी चाहिए क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो। देखो जब हम अपने संविधान के आर्टिकल 14 को देखते हैं तो ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी लॉ की नज़र में सभी पर्सन्स क्या हैं, इक्वल हैं, समान हैं। फिर चाहे वो किसी भी रेस, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जेंडर, किसी भी सेक्स से बिलोंग करें। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि एक पर्सन जो कि रिच पर्सन है, एक पर्सन जो कि पुअर पर्सन है, एक पर्सन जो सोसाइटी को सॉल्व करता है, एक पर्सन जो बहुत मुश्किल से एक वक्त की रोटी कमा पाता है, अगर ये पर्सन जो रिच पर्सन है कोई ऑफेंस करता है और ये जो पुअर पर्सन है वो सेम ऑफेंस करता है तो इन दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा जो उस पर्टिकुलर लॉ में मेंशन होगा। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और हमारे संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सभी को अपना जीवन अपने ढंग से जीने का अधिकार है। और हमारे पास एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आत्मसम्मान से जीवन जीने का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है और वो सभी पर्सन का है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी जगह से बिलोंग करते हों। तो अब ज़रा सोचो, क्या आपको नहीं लगता कि एमपी हाई कोर्ट का ये जो फैसला है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के ऊपर और वो और भी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना शायद अब बढ़ सकता है। और जब हम आत्मसम्मान से जीवन जीने का अधिकार इसे हम मौलिक अधिकार मान रहे हैं तो उस पर्सन का क्या जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्या उसके फंडामेंटल राइट, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, क्या इसका वॉयलेशन नहीं है? तो आप, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने ओपिनियन को फैक्ट के साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा।